फिर नींबू डालो दोबारा शापर में, लीमू सारे ला आंदे ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पे भी सब ठीक ठाक खैरियत से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ सब्जियों का अचार। रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में थोड़ा सा अचार भी चाहिए होता है। कभी कभी कुछ भी सैरी टाइम कुछ भी खाने को दिल नहीं करता तो बंदा थोड़ा सा अचार साल में शामिल कर लेना तो पराठा आसानी से खाया जाता है। तो मैं ये सब्ज़ियों का अचार बनाने लगी हूँ। हमारे ये पड़ोसी हैं, इनसे मैंने ये रेसिपी ली है क्योंकि उन्होंने अचार हमें दिया था, उन लोगों ने बनाया तो दिया था, तो हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत मज़े का था। सिरके वाला अचार, इसमें तेल नहीं होता, मोस्टली हम लोग तेल डालते हुए अचार बनाते हैं और जो बाज़ार से भी बना हुआ मिलता है वो भी तेल वाला होता है, लेकिन ये सिरके वाला है, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम लोग भी अपने घर में डाल लेते हैं क्योंकि रमज़ान में काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काटने और रेसिपी शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा वहाँ पर मेरा काम रह गया वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं कपड़े धो के फारिग हुई हूँ और वहाँ पर मैंने सफाई नहीं की तो वो कर लेती हूँ, फिर मैं ये काट के तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये सारी सब्जियाँ एक ही टोकरी में डाल के ना मैं पहले इनको धो लेती हूँ फिर मैं इनको काट के रखूँगी। गली में क्या कर रहे हो आप लोग? आ जाओ गोभी पूरी ऐसे ही डाल देनी थी ना अचार में पूरा। हाँ। डालती फिर काम पे है। पैसे जमा कर लो। किसने दी? किसके हैं पैसे? ये हारिस के यूनिफॉर्म से निकले, मैंने मशीन में डाल दिए थे तो ये सारे गीले हो गए, सूखने के लिए रखे हैं यहाँ पे। मुस्तफ़ा ने पिज़्ज़ा मंगवाना है इनसे। इनसे पिज़्ज़ा तो नहीं मिलता मुस्तफ़ा जी, इनसे तो नहीं मिलेगा आज पिज़्ज़ा। इन पैसों से ये तो कम है ना? नहीं, मुस्तफा छोड़ दो। इसको
इसको पैक करो। इन सारी चीजों से चार घंटे। मुस्तफा आ छोटो थोड़ा थोड़ा सा फूलों को थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर दें, क्योंकि ज्यादा जो मोटे हैं वो जल्दी से फिर गलते नहीं, सिरके में तो गल ही जाएंगे। टाइम तो थोड़ा लग जाता ना, हम लोग फौरन से तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। तो थोड़ा सा गला हुआ हो ना वो ज्यादा मजे का होता है। मेरे बच्चे ये बनी हुई सब्जी पकी हुई नहीं खाते, कच्ची सब्जी इनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैंने हांडी में बनाई हुई हो तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। मटर और गोभी ये लोग कच्ची खा लेते हैं। अजीब से बच्चे हैं। लेमन जो ऐड करने हैं ना इनका रस निकाल लेंगे, क्योंकि रस हो ना तो फिर अचार खराब हो जाता है और ज़्यादा खट्टा होता है अचार, वो अच्छा नहीं लगता। हमेशा लेमन का अचार जो होता है ना उसमें से रस निकाल लें। ये हरीस को मैंने भेजा था ग्रीन ग्रीन भी तोड़ के लिया है, बच्चों को काम करो ना तो बच्चों ने फिर आधा खराब ही करना होता है। ये वाली खा लो हरी मुस्तफा जी, बड़ी जो है बाजे इतना ज्यादा वैसे रस नहीं है, बीज बीज सारे। मिर्चों को हाथ नहीं लगाना फिर ना आंखों में लग जाती है। गाजर खा लो, ये वाली साफ कर दो। ना ना बस पेट डालो, पेट में दांत में डालो। और पीली हल्दी मैं शामिल करूंगी, ये मैंने काटा ही नहीं। ये हल्दी होती है आपकी? हाँ, दूसरी मिर्चे हैं अगर आपने शामिल करनी है तो कर लें, वरना मैं नहीं कर रही, क्योंकि ये वाली मिर्चें जो हैं तो इसी से ही अचार का टेस्ट बन जाएगा। पीली हल्दी बहुत के नमक के अंदर चली गई, ना ज़्यादा नमक, नमक काफ़ी सारा आएगा। इसको डाल के इसको तकरीबन दो दिन के लिए इसको रखना है, जब धूप निकले धूप में फिर उठा लेना है ताकि इसका सारा फालतू पानी निकल जाए। जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी ना नरम सी, ये कम भी हो जाएंगी अपने साइज में, दो दिन में इनका सारा पानी निकल जाए, फिर उसको एक जार में डाल के और साथ में सिरके की एक बोतल डाल देनी है और ये तीन चार दिनों में ही रेडी हो जाएगा। साथ में ये थोड़ा सा मसाला जात ये भी डालना है जायके के लिए, कलंजी थोड़ी सी
और ये है मेथी दाना। ये जार में डालने से पहले डालने हैं जी। वैसे मैं दिखाऊंगी तो जरूर जब मैं डालूंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही होगा कि इनको बस अभी मैंने 2 दिन धूप लगवानी है, उसके बाद फिर मैं जार में डालूंगी। और सिरके की एक पूरी बोतल डालनी है तकरीबन 1.5 लीटर की, ताकि ये उसमें डूब जाए, क्योंकि इसने फिर गलना भी है ना। अगर ये सही उसमें डूबा हुआ नहीं होगा तो ये सही गलेगा नहीं। अभी दिन की शाम की चाय का टाइम हो गया छः, तो ये सारा काम मैं यहीं पे रोक के अभी मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की दादू ने इस टाइम चाय पीनी होती है, फिर मैं भी पी लेती हूँ साथ में, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तलब नहीं होती चाय की। वो 2 बंदे हैं, उनकी फेवरेट है चाय। चाय बन गई, अभी मैं कप्स में डाल लेती हूँ। ये छोटा कप मेरा है और ये मैं अम्मा को देके आती हूँ। और इसी के साथ ही आप लोगों ने, अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।